नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुलरहमान। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए धोबी घाट, जो फैसलाबाद का तारीखी ग्राउंड है, जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी खिताब किया हुआ है। वहाँ पर जलसा किया था पाकिस्तान के लिए, जब जो कि तब जो है वो बरसगीर का हिस्सा था, मुतहदा इंडिया का हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आए, बेनज़ीर भुट्टो भी आए, आसफ़ अली जरदारी, मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इमरान खान, सभी यहाँ पर जलसा करके अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं। और इस धोबी घाट के बारे में मशहूर है कि जो जहाँ पर जलसा करता है और कामयाब जलसा करता है, तो फैसलाबादी उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करते हैं और उस जलसे को कामयाब बनाते हैं। तो इस धोबी घाट की तारीख क्या थी, वो मुख्तसरन आपको बताएँगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक तरह से इनकलाब बरपा करने वाला ये ग्राउंड है, जहाँ पर जो भी कामयाब जलसा कर गया, उसने फिर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ पर जलसा किया, मुस्लिम लीग को जो है वो यहाँ पर पंजाब में एक तरह से आने की पूरी एक इजाज़त भी मिल गई और पूरी ग्रिप भी पंजाब में हो गई। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बनाई यहाँ पर आए, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पर बहुत तारीखी जलसा किया, मियाँ नवाज़ शरीफ ने बड़े तारीखी जलसे यहाँ पर किए हैं, मरियम नवाज़ ने भी किए हैं, तो अब देखना, ये इमरान खान ने भी बड़े जलसे यहाँ पर किए हैं। तो अब ये ग्राउंड किसी हद तक वीरान हो चला है, कोई भी जलसे जुलूस नहीं कर रहा। लेकिन हम यहाँ पर अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल से पीछे हटते हुए इसके तारीखी बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ मोहम्मद खान कंदू मौजूद हैं। कंदू साहब, क्या तारीख है इसकी, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं हर बात शुरू करने से पहले एक ही बोलता हूँ कि ये सांदर बार जब आबाद करने की ज़रूरत पड़ी, ये आठों बाज़ारों का शहर तो अंग्रेज़ ने आबाद कर दिया। इसके बाद यहाँ इस शहर के एक बड़ी मज़े की बात है कि पूरी सर्कल पे एक नाला हुआ करता था, वो नाला यहाँ से गुज़र के आगे जाता था गुलाम अहमदाबाद साइड की तरफ से। ऐसे ही यहाँ वो पानी गुज़रता था, वो यहाँ ऐसे लोगों ने बनाए हुए थे, सरकारी तौर पे गाड़ थे, धोबी कपड़े धोआ करते थे, इसलिए इसका उसी वजह से धोबी गाड़ नाम मनसूब किया गया। जब यहाँ से ज़्यादा तरक्की का दौर आया, वक्त गुज़रता गया, ऐसे ही वक्त गुज़रने के साथ साथ जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम धोबी घाट तो मनसूब रहा, लेकिन धोबी घाट के साथ ग्राउंड अटैच हो गया। जो ग्राउंड अटैच हुआ था, जो ग्राउंड अटैच हुआ था, उसके बाद यहाँ ये ग्राउंड सियासी लेवल पे आबाद हो गया। कैसे आबाद हुआ, जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये कायदे आज़म ने यहाँ एक जलसा किया था मुस्लिम लीग का, ऐसे ही उसके बाद बहुत सारे जलसे हुए हैं। एक जलसा ये मेरे साथी शायद भूल गए हैं, कोई आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है कि यहाँ मज़ारीन का एक जलसा हुआ था, उकाड़े से लोग आए थे, मज़दूर किसान, किसानों का जलसा, उस जलसे का मैं भी वहाँ यहाँ हिस्सा बना था। मैंने वो किसानों से भरा हुआ खचा खची देखा है, या पीपल पार्टी के दौर में भरा हुआ देखा है भट्टो साहब के दौर, और इसकी तारीख, इसको इस ग्राउंड की तारीख के हवाले से, जैसे ये खुश नसीब ग्राउंड है, ऐसे बैड लक भी इसकी हुई है कि यहाँ मैं तो उस वक्त कोई 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, यहाँ टिकटिकड़ी लगा कर तशद्दुद किया गया, कोड़े लगाए गए थे भट्टो पीपल पार्टी के दोस्तों को। ऐसे ही ज़्यादा और की बात है, ऐसे ही उसके बाद इसका जब सियासी जलसे जलूस शुरू हो गए, ये इसका नाम सियासी ग्राउंडों के हवाले से कहते थे कि भाई इतनी हिम्मत है तो आप आओ इधर ग्राउंड में बढ़ के देखो। अच्छा, ये धोबी घाट का बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने बताई, कितने लोगों को यहाँ पर कोड़े लगे और फैसलाबाद तक भी कोई शामिल था? ये इसमें मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन एक ना बाद में एक जज बना था, चौधरी खुर्शीद शायद नाम उसका था, उसे भी कोड़े लगे थे गालपन, शायद उसे यहाँ कोड़े लगाए गए हों। लेकिन खुर्शीद, ताहर खुर्शीद का वालिद? जी जी, यहाँ मुझे ये तो नहीं पता उनके वालिद हैं, लेकिन इतना मुझे याद है कि अवान साहब थे, राई साहब थे, ऐसे और बहुत सारे, राणा मुख्तार था एक पीपल पार्टी का। अच्छा। मैं बिल्कुल छोटा सा था कि उस वक्त को कोड़े लगे, ये इन लोगों को ना, नहीं इमरान मुख्तार की बात तो नहीं है, लेकिन इन लोगों को काफ़ी कोड़े लगे। मेरे शायद डिचकोट से एक दो आदमी थे, उन्हें भी कोड़े लगे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो साइकिल बनाया करते थे। मुझे वो बचपन की कुछ कुछ यादें आती हैं कि यहाँ ना काफ़ी लोगों को कोड़े भी लगते। इसके अलावा पता नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, एक दफ़ा एक सरेआम कोई फांसी हुई थी, पता नहीं वो भी यहाँ धोबी घाट में एक सरेआम फांसी भी हुई थी, फैसलाबाद में गालबन शायद ज़्यादा हो रही था,
मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मैं उस वक्त काफ़ी स्कूल में पढ़ता था, मेरी याददाश्त तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। लेकिन इसके साथ अब जो सियासी सूरत हाल चल रही है, वो सियासी लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आओ हमारे फैसलाबाद में धोबी घाट चलो, इसके धोबी घाट का एक ग्राउंड इकट्ठा करके ग्राउंड भर के दिखाओ। इसके साथ साथ मैंने यहाँ दो जनाजे भी पढ़े हैं, एक मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब थे, वो उनका जनाजा तो इतना बड़ा था कि वो चनोड़ बाजार की साइड की तरफ रोडों पे छतों पे लोग थे ये ग्राउंड पढ़ के। इसके अलावा मौलाना सरदार मोहम्मद साहब चांगदार वाले साहब से, उनका बेटा थे फजल करीम साहब शायद उनका नाम था, उनका भी यहाँ जनाजा मैंने अदा किया है। अब ये ग्राउंड बस जनाजों के हद तक रह गया, जलसे जुलूस तो हो नहीं रहे। थैंक यू। ऐसे ही मैं आपकी मीडिया की मिसाल से यही कहूँगा कि गुजारा गुजारा इस ग्राउंड का ख्याल करें, इस ग्राउंड को आबाद करें। यहाँ ग्रास तो है, लेकिन ग्रासी ग्राउंड होने के साथ साथ इसकी कटाई होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, जो माली वगैरह हजरात हैं वो इसकी लुक आफ्टर से। थैंक यू। नाज़रीन, ये बड़ी एक अहम बात है जो इससे पहले कम अज़ कम मेरे इल्म में भी नहीं थी कि यहाँ पर ये वही ग्राउंड है जहाँ पर ज़ियाई मार्शल लॉ को तकवीत देने के लिए, लोगों को खौफज़दा करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, यहाँ पर कारकुनान को फैसलाबाद के जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल थे उनको सरेआम कोड़े मारे गए, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सरेआम फांसी भी दी गई ताकि लोगों के दिलों में मार्शल लॉ का खौफ बढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ी अहम मालूम आता है। तो नाज़रीन, आज तारीखी ग्राउंड की आपको सैर कराई, इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।